चलो। कनक नमन दिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सितरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हे। बहुत बहुत इस बार 200 साल की जद्दोजहद के बाद कई वैयों और उपमाओं प्राण देवभ से और तमाम हिंदुस्तान से मुस्लिम तबके के उलमाए कराम और मुजाहिदीन आजादी की खून की वंश के बाद आजादी का हमें बेहतरीन तोहफा मिला। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा खुद मुख्तारी हुकूमत किस तरह कायम करना है उसके लिए जब ड्राफ्टिंग कमेटी कायम की गई, उसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को सबने इलेक्ट किया और उन्होंने एक तवील अरसे तक डेढ़ साल तक जब मेहनत की, उसके बाद सन 1950 नवंबर में हिंदुस्तान का दस्तूर तैयार हुआ। जब हिंदुस्तान का दस्तूर तैयार हुआ तो उसको अमल में लाने के लिए तारीख मुकर्रर करने का वक्त जरूरी था। तो जब तमाम लोगों की यानी कि रजामंदी से 26 जनवरी 1950 का एक तारीख मुकर्रर की गई, उस तारीख को हम लोग हिंदुस्तान के दस्तूर को अडॉप्ट किए और हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क के तौर पे अपने खुद के दस्तूर को आईन को अमल में लाकर उसके तहत तमाम कानून को बनाकर और हिंदुस्तान के हर शहरी को एक फंडामेंटल राइट्स देकर और हिंदुस्तान के हर शहरी को एक फंडामेंटल ड्यूटीज देकर इस दस्तूर को अमल में लाया और तब से लेके आज तक वो दस्तूर के तहत ही हिंदुस्तान की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और इसका तमाम रूलिंग चलती है। लेकिन बहरहाल हम लोग देख रहे हैं कुछ अरसों से हिंदुस्तान के आइन के ऊपर हमले हो रहे हैं आए दिन, उसको भी हम लोग सब एकजुट होकर हमारे हिंदुस्तान को बचाए रखने के लिए इस लड़ाई में शामिल होना है और इस लड़ाई में हम सबको एक हिंदुस्तान के आला दर्जे के शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम जिस तरह फंडामेंटल ड्यूटीज निभाते हैं, कोई कानून का कोई वायलेशन नहीं करते हैं हिंदुस्तान में, उसी तरह उस कानून को बचाए रखने के लिए भी हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए। लिहाजा आज इस दस्तूर यौम यानी कि रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पर सबका जमा होना खुशी की बात है और बुजुर्ग लोग यहाँ पे रिटायर्ड तहसीलदार साहब जनाब सिराजुल्ला खान साहब और इसाफ भाई रिटायर्ड वेटरनरी ऑफिसर साहब और महमूद भाई अब्बासिया के और डॉक्टर इसरार उल हक साहब जो हेल्थ डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोग तमाम लोग असरार उल हक साहब सब हाजिर होकर यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल होना कामयाब करने के लिए हम उनको तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जमात की तरफ से। अब अर्चन कुशाई की जाएगी तो तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि सब परिवार जजाक अल्लाह करता हूँ।